मार्ग पर लोगों ने ट्रक का जाम कर दिया, जिसके चलते एक घंटे तक मार्ग आवागमन पूरी तरह बंद रहा। वहीं इस जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है मुख्य मार्ग में घरों का गंदा पानी बहता है, ऐसे में नवरात्रि के दौरान उनकी आस्था को आहत हो रहा है। दरअसल नर्मदा पुल पार करते हुए मुख्य मार्ग में नाली नुमा गड्ढा हो गया है और आसपास के घरों का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर बहता है। सोमवार को लोगों का आक्रोश बढ़ गया। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर मुख्य मार्ग पर अपनी बाइक रास्ते को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ओर गाड़ी की लंबी कतारें लग गई। जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश दी। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया। जो यहाँ पे समस्या देख रहे हैं हम, जो रोड यहाँ पे 65 लाख करीबन का सेंक्शन हुआ था, बताया जा रहा है सेंक्शन तो हुआ था बस्ती विकास से, लेकिन जो यहाँ पे लोगों का कहना है कि या तो इस छोर से चालू होना चाहिए था उस छोर से, कोई भी रोड चालू होता है तो बीच से नहीं होता। इन्होंने बीच की राशि स्वीकृति के बाद गोल कर दिया गया है। और जो ये रोड की बात है तो यहाँ जो डिंडोरी जिले में टोटल चल रहा है, चाहे जितने भी अधिकारी हैं, ये जनताओं की एक तो सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधियों को इतना कोई महत्व नहीं मिलता है। आज मैं जो गांव के लोगों ने जो आज यहां धरना रखे, मैं उनके साथ सहमत हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक अधिकारी लोग अच्छे से आश्वासन नहीं दे देते, तब तक हम लोग अभी यहां बैठे रहे।